दोस्तों, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक अजूबा इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक से एक कांड होते रहते हैं। कांड थोड़े होता है, यहाँ पे खेला होता है। और दोस्तों, एक बार फिर से आज हुआ है, एक कांड हुआ है। एक साथ एक मैटर पे चार गाने रिलीज हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई गया है रसोई में कौन था, किचन में कौन था, मेला में कौन था, हेडफोन लगा के सुने कौन था। एहू से मन न भरल हो तो खेसारी लाल के फोटो लगा के एडिट करेल, एडिट कर दिल सौ कॉल पर कौन था, तार मौसा रहन। और दोस्तों, इन सारे चारों लोगों का गाना रिलीज हुआ है। एक गाना था अंकुश राजा जी का, जिसके राइटर अखिलेश कश्यप जी हैं। कल्लू जी का गाना है, नीलकमल सिंह जी का गाना है, और एक पांडे जी का गाना है। चारों आदमी का रिलीज हुआ है, उसमें से ऐड भी लगवाया है कोई। तो दोस्तों, जेन्युइन जो सपोर्ट मिला है, दर्शकों का प्यार मिला है, वो अंकुश राजा जी के गानों का मिला है। और दोस्तों, उस पर लगभग 9,01,000 व्यूज हो चुका है, लेकिन उसके हिसाब से लाइक बहुत ज़्यादा है। वहीं दोस्तों, एक गाना है जिसपे व्यूज तो हो चुका है 2,000,000, लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, वो ही समझे कि कहाँ से इतना व्यूज लिया है इतना जल्दी से, कहाँ पैसा फेंकले हैं केकड़ा मुँह पर के इतना जल्दी से व्यूज फेंक दिला सौ और बूहे जानस। लेकिन दोस्तों, विडम्बना है कि एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही मैटर पे चार चार आदमी का गाना रिलीज होना, ये विडम्बना है। और समर सिंह जी का तो कमाल है, कौन था तो मैं था गा दिए हैं, वो कल रिलीज होगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यही है कि लोग खेसारी लाल का फोटो एडिट क्यों किए हैं, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। कितना भी आप एक्शन ले लीजिए, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इनका एक ही मोटो है, पैसा कमाना। ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी एडिट कर देंगे। कॉल पे कौन था, कॉल पे इनके मौसा थे। क्या बोला जाए, छोड़िए, बोलना कोई मतलब नहीं है बोलने का। कितना कोशिश किया गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया कि फेक गानों के पोस्टर पे फोटो यूज नहीं करना है, लेकिन लोग नहीं मानने वाले हैं। अब क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अंकुश राजा जी को आप लोग प्यार आशीर्वाद दिए, ये बहुत अच्छा बात है, बेहतर गानों को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।